अच्छा, अब इसके बाद एक ग्रैंड फंक्शन है ये, इसके अंदर बहुत सी सरप्राइजिंग न्यूज़ होंगी, और उसके साथ साथ हो इसके 2 दिन बाद या 2 दिन पहले जो है एक नई इन्वेंट्री का भी आगाज़ किया जाएगा टैक्स के हवाले से। नाज़रीन, एक नया बजट आने लगा है गवर्नमेंट के हवाले से, तो उसमें टैक्स में कुछ रद्द बदल की जाएंगी। सलामी नाज़रीन, कमर सलाम, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत अहम वीडियो है, आप तक पहुँचेगी तो इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। वो तमाम दोस्त अहबाब जो लाहौर मास्टी के हवाले से जाना चाह रहे थे कि इसकी क्या अपडेट्स हैं, तो 10 जून को इस टाइम मुनक़द किया जा रहा है बहुत ग्रैंड ग्रैंड फंक्शन इन लाहौर मास्टी के अंदर, जो 13 डेट को मुनक़द होना था, तो आपको पता पॉलिटिकल सिचुएशन के बिना उसको पोस्टपोन करते हुए 10 जून उसका डेट मेंशन की गई है। अच्छा, अब इसके बाद एक ग्रैंड फंक्शन है ये, इसके अंदर बहुत सी सरप्राइजिंग न्यूज़ होंगी, और उसके साथ साथ हो इसके 2 दिन बाद या 2 दिन पहले जो है एक नई इन्वेंट्री का भी आगाज़ किया जाएगा। वो जो इन्वेंट्री है वो आपको तब पहुँचाई जाएगी, और उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाए, और वो इन्वेंट्री जो है वो ऑन पे आएगी, जो सबसे पहले जो है उस पर पार्टिसिपेट कर लेगा, इन्वेस्ट कर लेगा, उसको उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो लिहाजा अपने पेमेंट जो है रेडी कर लें। इसके अलावा मैं आपको और भी एक बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो है टैक्स के हवाले से। नाज़रीन, एक नया बजट आने लगा है गवर्नमेंट के हवाले से, तो उसमें टैक्स में कुछ रद्द बदल की जाएगी। तो नाज़रीन, अभी आज मेरी एक मीटिंग हुई थी एक ख़ास पर्सनैलिटी से, तो उन्होंने मुझे कहा कि टैक्स के ऊपर आपके ऊपर जो है ना, वो आप तमाम दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें कि टैक्स में सब लोग अपने आप को फाइलेंट कर लें, जो नॉन फाइलेंट होंगे उनके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, लिहाजा अब आपको फाइलेंट का होना ही ज़रूरी है। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि जो वो लोग फाइलेंट हैं वो डेट इज़ फाइन, अगर जो लोग अभी फाइलेंट नहीं हुए तो जल्द से अपने आप को फाइलेंट कर लें, क्योंकि इन टाइम पर फाइलर होना वो फिर आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, रश भी हो सकता है, डेट्स में अपने आप को आप फाइलर कर लें, इसमें फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। हम सब लोग फाइलर हैं, आप भी फाइलर हों और आप कई जगहों पे इसकी छूट मिल जाती है। नाज़रीन, ये एक हंगामी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचाई। इसके अलावा हमारे कतर के अंदर और यूके के अंदर इस टाइम डिफरेंट जो रोड शो किए जा रहे हैं, सेमिनार्स किए जा रहे हैं लाहौर मास्टी कैपिटल मास्टी के बारे में। इसके अलावा सिलिकॉन वैली, हम बहुत भरपूर तरीके से सिलिकॉन वैली के ऊपर काम किया जा रहा है। अब सिलिकॉन वैली क्या है, कैपिटल मास्टी ने एक ख़ास मखसूस एरिया जो है मुंतखब कर दिया है सिलिकॉन वैली के नाम से, इसी तरह लाहौर मास्टी के अंदर भी सिलिकॉन वैली का एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो रिज़र्व कर दिया है। सिलिकॉन वैली बेसिकली आईटी से रिलेटेड एरिया होगा, जिसमें आपको हर तरह से आईटी जो आपको आईटी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान जो है आईटी में थोड़ा सा पीछे है, अब उसको कम्पीट करने के लिए और वर्ल्ड वाइड जो हम सर्विसेज लेते हैं डिफरेंट कंट्री से सर्विसेज लेते हैं, वो हमें इन फ्यूचर में नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि हम यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो उसके ऊपर बहुत गहरी तरीके से बहुत गौर फिक्र किया जा रहा है मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मास्टर की जानब से, और बाहर के जितने ब्रांड्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो हमारे पाकिस्तानी इतने जहीन लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाकर आईटी में काम कर रहे हैं उनको भी मदू किया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे मुकीम जो आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं और राइट लेफ्ट इधर गिर्द बेचारे उनको कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा, उनको भी यहाँ प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाले हैं कैपिटल मार्केट के मैनेजमेंट, जिसके भरपूर कई टीमें काम कर रही हैं। इंशाल्लाह बहुत सरप्राइजिंग न्यूज़ होंगे आप सबके लिए। लिहाजा कैपिटल मार्केट लाहौर मार्केट वाहद ऐसा प्रोजेक्ट है जिन्होंने इस तरह की बातें सोची हैं अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। अदरवाइज़ हमने कई सोसाइटियाँ देखी हैं, आप भी देख रहे होंगे, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही होती। ये जदीद दौर का जदीद तरीन तर्ज के ऊपर जो है शहर तैयार किया जा रहा है। ये शहर मैंने इसलिए बोला है, ये सोसाइटी नहीं है, एक बड़ा शहर है। मेरी नॉलेज के मुताबिक, हो सकता है मेरी क्वेश्चन कर दीजिएगा, कि जो हमारा इस्लामाबाद है जो कैपिटल है हमारे मुल्क का, वो इस टाइम 86,000 कनाल है, जबकि कैपिटल मास्टी जो है, कैपिटल मास्टी जो हबीब फिर ग्रुप बनाने जा रहा है, जो बना रहा है, ये 2,80,000 कनाल के तजावज़ कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा शहर तैयार किया जा रहा है, एक नया शहर जिसमें आपको तमाम ज़रूरत ज़िंदगी यहाँ मैसर होंगी। इवन के ऐसी भी कई चीज़ें मैं एग्जाम्पल को करना चाहता हूँ, जैसे बायोप्सी हम करते हैं, कोई किसी के बॉडी के किसी पार्ट का टेस्ट दिया जाता है, तो उसको हम आगा खान हॉस्पिटल कराची में या हम आउट ऑफ कंट्री भिजवाते हैं उसे टेस्ट के लिए। तो इंशाअल्लाह वो जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है पाकिस्तान में कैपिटल मास्टी के अंदर तैयार किया जा रहा है, उसकी बाकायदा वहाँ पर इनाग्रेशन हो चुकी है, बाकायदा उसकी लैंड मुख्त हो चुकी है और काम भी किसी हद तक स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो नाज़रीन, बहुत जल्द आपको यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल के बारे में बताया जाएगा कैपिटल मास्टी के अंदर, जो कि तैयार हो चुका होगा, बिल्डिंग खड़ी हो चुकी होंगी और बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है।
मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्द कोई एक ऐसी वीडियो इंट्रोड्यूस करवाऊँ जिसके अंदर आपको ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको दिखाई भी जाए। तो बहरहाल हमें फिर भी हम अपनी वीडियो के अंदर अपने चैनल के अंदर हम वक्ता वक्ता हम आपको तमाम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं आपको डेवलपमेंट के कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको वहाँ पर डिटेल गाइड किया जा रहा होता है ताकि आपको पता हो कि हमारी कैपिटल स्मार्ट की लाहौर स्मार्ट की डेवलपमेंट क्या है कैसी हो रही है आपको पिक्चर जो है बराबर बताई जाती हैं उसमें डेट मेंशन होती है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप ये ना फील करें कि हमें कुछ पता ही चल रहा है कि हमारे वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की गई है या हम करना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला कैपिटल स्मार्ट सिल्वर स्मार्ट वह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इस टाइम रश है और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी सोसाइटीज़ थी हमारे राइट लेफ्ट इस पूरे सिचुएशन के बना पर जो मुल्क की सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के या पॉलिटिकल मामला जो है आपके सामने हैं इसमें वो तमाम सोसाइटियाँ जो बिल्कुल भी नाकस थीं जो फ्रॉड था वो सब लोग बैठ गई हैं अब उससे लोग वाजे हो चुका है कौन सोसाइटी जो है वो फ्रॉड थी कौन कामयाब थी जो कामयाब सोसाइटी थी जो वाकई जिनके अंदर जान थी वो ट्रू था वो इस वक्त कामयाब है और उन पर काम चल रहा है वो काम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और लोग वहाँ पर मुतमिन भी हैं। तो मैं उसमें सरफ्रेस कहूँगा कैप्टन मास्टी और लाहौर मास्टी को अप्रिशिएट करता हूँ उनकी मैनेजमेंट को जिन्होंने इतने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया। इससे पहले मैंने कोविड में ज़रूर देखा इनको कि कोविड में जिस तरह से इन्होंने काम किया और अपना नाम मनवाया वहाँ पर काम करके अपने कमिटमेंट्स को कम्प्लीट करके इसी तरह इस टाइम के अंदर भी उन्होंने अपना जो है मैं समझता हूँ कामयाबी से सर हमकिनार हो चुके हैं। कैपिटल स्मार्ट की मैनेजमेंट भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के तवज्जो से कि आप तक ये मैसेज पहुंचे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और ज़रूर करें नहीं भी अगर आपका इरादा है तो तब भी आप इन्वेस्टमेंट करें लेकिन कैपिटल स्मार्ट लाहौर स्मार्ट का इंतखाब करें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो आपकी जो इनकम है वो सिक्योर हो ताकि आपका फ्यूचर जो है वो आपको ये टेंशन ना हो पता नहीं कल हमारे पैसे वापस मिलेंगे ना मिलेंगे क्या पता नहीं कल हमारी इनकम है वो अच्छी जगह पर जाके उसका कुछ अच्छा सदबाब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इससे आप बिल्कुल भी मुतमिन रहें इंशाअल्लाह मैं आपको गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा और कर भी रहा हूँ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं जिन लोगों दोस्तों ने फाइलें बाइंग की हुई हैं जो फाइलें सेल करना चाहते हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी एंगल के ऊपर तो हम उसे रिजू कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है बहुत प्राइम टाइम है ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा सोने डॉलर्स के ऊपर जो डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी मैं उनको बता सकता हूँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनती है डॉलर में सोने में प्रॉपर्टी में। बहुत से लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं बहुत से लोग डॉलर की बात करते हैं बहुत से लोग गोल्ड की बात करते हैं तो इसके पीछे क्या गेम होती है कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंशाअल्लाह आपको गाहे बगाहे गाइड किया जाएगा। मैं आपके मुंतजर रहूँगा आपके मैसेजेस का आपके कॉल का इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो मेरी गुफ्तगू सारी अच्छी लगी होगी इसको आप जरूर अपनी फैमिली के अंदर अपने दोस्तों के अंदर स्प्रेड कीजिएगा ताकि सबका इसका भला हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू सो मच फिर मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़।